अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर आबाद होंगे, अपने अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवारों के साथ में। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खैर आबाद रखे, खुश रखे हमेशा। मैं भी अच्छे से हूँ। बहुत बारिश हो रही है तो मैंने सोचा अपने विंडो से कुछ दिखा दूँ आप लोगों को, तो विंडो से कुछ दिखाने के लिए था नहीं, थोड़ा सा व्यू दिखा दिया आप लोगों को। और ये मैंने पतीली में थोड़ी सी अजवाइन बॉयल करके रखी, बॉयल अजवाइन का वाटर बॉईल कर रही थी बच्चे के लिए अपने, ताकि उसका कफ बहुत ज़्यादा हो गया था पिलाने के लिए। और साथ ही मैं छोले बना रही हूँ। छोले के लिए मैंने चने भिगोए थे रात में, प्याज मैंने कट करके ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना ली है प्याज की। अब फटफट हम छोले का सालन बनाएंगे, जिसमें हमने कुकर गर्म कर लिया है, कुकर में तेल डाला है, तेल में प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज थोड़ी सी हल्के से ब्राउन होने लगे ना, तब डालेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अब देखिए डाले हाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। एक प्याला लेंगे, उसमें डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, और मेरे पास था किंग किचन किंग मसाला, तो मैंने उसको भी डाल दिया उसमें। अपने हस्बैंड जाएगा, जिस जितना भी आप लोग अपना टेस्ट तीखा मीठा पसंद करते हैं, मीठा तो नहीं जाएगा इसमें, तीखा ही रहेगा, तो तीखा जो टेस्ट जितना पसंद करते हैं आपके फैमिली वाले, बस उस हिसाब से डालें। मेरा कुछ क्वांटिटी नहीं होता है, मैं तो सिर्फ अंदाजे से हर चीज़ काम करती हूँ, वो मेरा अंदाज़ा हो चुका है बेहतर तरीके से, तो मैं हर चीज़ जितने मसाले सब अंदाजन डालती हूँ। तो मैंने मसालों को भिगा दिया ताकि फूल जाए, और मेरी प्याज, और मैंने इसमें डाला है टमाटर, अभी काट कर डाल दिया है, नमक डाल दिया है ताकि टमाटर इसमें गल जाए। और मैंने जो मसाले भिगा कर रखे हैं ना, उसमें थोड़ी सी मैंने दही डाल दी है, ज़्यादा नहीं है, दो चम्मच करीब मैंने दही डाल दिया, और ये मसाला मिला दिया। मसाले मैंने जो इसमें मिला दिए, जो पहले से मसाले भून रहे हैं, प्याज वाला और टमाटर वाला, और जो सूखे मसाले भिगा के रखे वो भी डाल दिया मैंने। अब उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। बारिश झमाझम हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश तो हो ही रही, आज भी हो रही है बहुत तेज़ बारिश। परसों का है ये क्लिप मेरे पास था, तो वो मैंने डाला नहीं था, तो मैंने सोचा डाल देते हैं, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने सोचा आपको दिखा दें। तो मेरे छोले भी तकरीबन मतलब रेडी हो गए थे, मतलब उसको चने तो मैंने बॉईल नहीं करे, छोले मैंने ऐसे भिगा के रखे थे, रात भर फूल गए थे, तो मैं मसालों में डाल दूंगी और सीटी कुकर की सीटी लगा दूंगी, तो ये 10-15 मिनट में हो जाएंगे चने। 10 मिनट पकड़ लीजिए स्लो आंच पर, तो अच्छे से हो जाते हैं चने। बस मैंने आलू नहीं डाला, बस ऐसे पानी डाल के आप रख दें। और मुझे ना इसके अलावा और भी बात करनी थी, जैसे अब शिहाब भाई का चल रहा है कुछ व्यू अभी जो सोशल मीडिया पे, कि उनके साथ बदतमीज़ी हुई है, ये दिस डैट, मतलब जो भी है वहाँ के खादिम ने, मगर मैं शिहाब भाई तक अगर मेरी आप मेरी आवाज़ पहुँचा सकते हैं ना, प्लीज़ पहुँचा दें, क्योंकि वो हज करने जा रहे हैं। अगर मैं तो नहीं जानती वहाँ के खादिमों को, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है इतना भी, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वहाँ के अगर खादिमों ने कुछ उनके साथ बदतमीज़ी की, जो भी मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं, तो शिहाब भाई को उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शिहाब भाई का मुझे ये बुरा लगा कि उन्होंने हाथ झटक दिया उनके, मतलब वो अपना अगर बड़े बुज़ुर्ग समझते, अपने ऊपर हाथ रखवा देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उतना तो चल जाता है, वो अपनी दुआएं करते रहते, क्योंकि हज पे जाना सिर्फ हज पे ही जाना नहीं होता है, अल्लाह उनका हज कबूल करे, उनका रास्ते का सफ़र आसान करे। अभी तो वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर अभी उनको पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, इराक या ईरान होकर जाना है, तो इनका सारा रास्ता बहुत आसानी से कटे मौला। तो बस ये है कि बस उनको रिएक्ट नहीं करना है कोई चीज़ का, और अगर उन्होंने ऐसे किया भी तो उनको नहीं करना चाहिए, शिहाब भाई को नहीं करना चाहिए था। शिहाब भाई की थोड़ी सी गलती नज़र आ रही है इसमें, अगर उनको पसंद है नहीं पसंद है, बड़े बुज़ुर्ग समझ के अगर अपने ऊपर हाथ रखने देते कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना बड़ा जो इशू हुआ है ना, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी देखी, किसी ने हार फूल भी पहना उन्होंने फ़ौरन निकाला है, तो थोड़ी इज्जत वो भी रख लेना। बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई इज्जत दे रहा है ना, तो बस उनकी वो सामने वाले की इज्जत को ना वो सर आँखों पर रखें, तो अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ऐसे लोगों को। और उनकी हज पे जा रहे हैं ना, तो हज पे रास्ता जो जितने लोग मिलेंगे उनको, चरिन परिन इंसान जानवर सबका ख्याल करना है, कि मेरी कोई ऐसी हरकत से, मेरी कोई ऐसी मेरी ऐसी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, जिससे मेरा खुदा नाराज़ हो जाए, जिसके लिए मैं हज करने जा रहा हूँ। बस मतलब ये अल्लाह को राज़ी करने वाली बात है ये हज। तो आपको क्या लगता है, हज जो नहीं करते क्या उनको अल्लाह ताला उनसे राज़ी नहीं होता है? होता है बिल्कुल, उनकी आदतों से, उनके आमाल से। और ऐसे इंसानों के पास ना वजह होती है, मतलब जैसे पैसे नहीं है, पैसे से कम है,
तो वो नहीं जा सकते हज, पर जो हज पे जा रहे हैं ये तो माशाल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मगर ये इनकी दिल में ऐसे तमन्ना थी कि इनको जाना था हज करने पैदल, ताकि इनको एक एक कदम का सवाब मिले। तो शिहाब भाई आप प्लीज़ आप पैदल हज करने जा रहे हैं, इतने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ सबका ख्याल करें, किसी को ऐसे हरकत ना करें। और सब आवाम से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको घेराव ना करें, उनको उनका रास्ता आसान करें, उनके साथ चलें, पर आप इतना एहतियात करें कि उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। और शिहाब भाई आप अपनी ऐसी कोई चीज़ ना करें कि जिनको लोगों से आपकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो के हम इनके लिए दुआ करने आए, मतलब हम इनके साथ चल रहे हैं, हम कुछ ना हम ज़रा सा सवाब के लिए इनके साथ चल रहे हैं, पर आप भी ऐसे कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो और वो मतलब आपके लिए बुरा सोचे हैं, आपके लिए मतलब उनके दिल में ऐसा है कि ये क्या हज करने जा रहे हैं, ये तो सबके ये किसी का इज्जत ही नहीं करना जानते हैं। मैं शिहाब भाई आपका रास्ता अल्लाह ताला आसान करे, और आप भी आपका भी सलूक हर लोगों के साथ में अच्छा सा रहे, बड़े बुजुर्ग के साथ आपको बहुत अच्छे से रहना है, आपको रास्ते में कोई भी सबकी दुआएं लेनी है आपको, आपको किसी का हाथ झड़कता नहीं है। बस इतना ही कहना था भाई आपसे, बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज़ पहुँचा दें उन तक। और हाँ मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ की खादिमों वो वहाँ के जो खादिम है कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, लोग ये कमेंट ना करें कि आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं, मैं तो गई भी नहीं हूँ, मैं अजमेर गई हूँ अभी तक, मतलब मैं मुंबई कितने बाहर नहीं गई हूँ, बस अल्लाह मुझे नसीब करे वहाँ मतलब अपने बच्चों के साथ में अजमेर जाना वहाँ पे जाना नसीब करे अल्लाह ताला, मुझे भी सबकी दुआएं लगे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे सबको, बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान बनाए, आमीन लाही आमीन। बस मुझे इतना ही कहना था, कुछ बातें कुछ अच्छी लगती है कुछ नहीं लगती हैं, तो बस मुझे जो समझ में आया मेरा रिएक्शन था मैंने बता दिया, और मुझे नहीं समझ में आया था क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी शिहाब भाई को कुछ बोलना चाहिए, तो अगर मेरी आवाज़ पहुंचा सकते तो प्लीज़ पहुंचाएं मेरे वीडियो को, थोड़ा सा पहुंचा दें वहां तक, ताकि उनको समझ में आए और ताकि लगे कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनकी बातों पे। आज का मेरा व्लॉग